मुझे लगता है 26 क्वेश्चन है, इनको यस और नो में जवाब देना है। आपने तीन फोन नंबर रखे डाउनलोड किया आपके हाँ, ये मुझे नाराज हो गए, मुझे नाराज हो गए, मैंने जो किया वो इंशाल्लाह खुदा को मद्देनजर रखते हुए किया, तो उससे अपने बेटे को कहाँ आएंगे। मगर अक्सर लोग देखते हैं कि हमारा ये जिम्मेदार जो है जिसको हमने चुना है, क्या मैंने दो तीन द्वारा दूसरे ने ऐसा काम करेगा, ये कैसे लोगों की बात हो जाएगा। जैसा हम देख रहे हैं जिस अंधदया से यीशु गरीबी से नीचे जिंदगी बसर करने वाले जुम्मन विचारों की ही छो दूसरा बीपीएल बीपीएल उन लोगों के लिए जैसा कि जैसा साहब एडी साहब शायद भूल गए मंडचासन का ध्यान विडो ध्यान विडो तरह फिर का त्रु वरिष्ठ मोड़ का सन पांच त्रु वरिष्ठ मोड़ का सन सब्जी वरिष्ठ मोड़ का सन भू वरिष्ठ मोड़ का सन उनकी तरह आपको ध्यान पर देना पड़ेगा। और जिस घर में कोई अगर नाकेजा हो जिस्मानी तौर उसको अगर 50% अबो मतलब नाचासन मोम शासन लोक शासन बाकी चीज शासन उनका ख्याल जैसे हमारे बाहर में एक घर आता है वो सभी बिचारे हैं ऐसे लोगों को आपको जो हमारे दरवाजे तक एडी साहब का दरवाजा दरवाजे तक नहीं पहुंचते डीसी साहब के दरवाजे तक नहीं पहुंचते इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा एक साल के लिए कमेटी बनाई ताकि हम हर घर दस्त कर दें। मैं अपने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को दाद देना चाहता हूं जिसने ये सिस्टम यहां पर लागू किया डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। हम चाहते हैं कि आज भी हमारे एडी साहब भी थे एसडीएम साहब भी थे और टीओ साहब और जो हमारे पीआरआईज हैं इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो हमारे साथ आए। हम हर घर दस्तखत देंगे कि किस तरीके से अगर किसी जगह गलत को सही किया गया और सही को गलत किया गया हम उस पर जाँच पड़ताल कर रहे हैं। पूरा इसमें बॉडी बनी है जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स उनको मेंबर बनाया गया है वार्ड मेंबर को मेंबर बनाया गया है टीएसओ साहब को मेंबर एडी साहब भी इसमें निगरानी कर रहे हैं डीसी साहब भी इसमें खुद निगरानी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और वर्दी डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शन है जो भी यहाँ पर अगर किसी जगह अंत्योदया उन लोगों को दिया गया जो यहाँ पर उसके मुस्तहिक नहीं थे या बीपीएल उसको हम जाँच पड़ताल कर रहे हैं। हम टीम बिठा रहे हैं इसमें आज भी हमारा डे था 21 तक हमें ये सबमिट करना है। हमें उम्मीद है जो नफ्सा का जो रूल्स है रेगुलेशन है जैसे एडी साहब ने भी और सेक्शन 29 उसके हिसाब से जो हमारी कमेटी रिपोर्ट देगी हम डीसी साहब को सबमिट करेंगे जो सही होगा वो हम करेंगे जो गलत होगा वहाँ पर वो हम भागेंगे। बस एडी साहब भी मौजूद है सर आज आपने ड्यूरू का खसूसी दौरा किया क्या बात हुई यहाँ मीटिंग में और क्या चीज़ें आपने समझी आपने डीएसओ को और बाकी जो मेंबर हैं आप तो देख रहे हैं कि आज पिछले आठ दिन से आप इस काम को देख रहे हैं तो इंशाल्लाह रहमान ये जो 14 दिन का प्रोग्राम है हमारा अवेयरनेस ये विजिलेंस कैंप ये हमने हर जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट के हर टाउन हॉल में या इधर वीडियो ऑफिस में हमने ये अवेयरनेस दी है। लोगों को हमने यही कहा कि जो आपको लग रहा है कि इसमें कुछ खामियां हैं हमारी लिस्टों में या हमारे स्टोरों पर कोई किसी किस्म की कोई खामी होगी तो वो अपने मेम्बरान के सामने रखे और इंशाल्लाह रहमान जो भी खामी होगी वो उसको दूर करेंगे। तो आज लगभग 8-9 दिन है तो इतने सारे दिनों में आपको लगता है खातिर खान नतीजे इंशाल्लाह नतीजे अच्छे निकलेंगे इंशाल्लाह लोगों तक ये कमेटी जा रही है। आवाम से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आज एक ऐसा मौका आ गया है कि वो सामने आए अगर कोई कोताही है हमारे डिपार्टमेंट में। एक्चुअली जो ये सोशल ऑडिट है ये तो हर साल करना है साल में दो बार मगर इस साल हमारे डीसी साहब ने इसको ज़्यादा सीरियस लिया है तो वो खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं जो कि चेयरमैन साहब ने कहा है।